वैभव की जान बचाने के लिए इतना बड़ा त्याग कर रही है श्रेया, मुझे कुछ करना होगा। माँ, सविता, ये जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है या जो श्रेया करने जा रही है, तुम्हें अत्यंत क्रोध आ रहा होगा ना अपनी लक्ष्मी माँ पर। प्रसन्न नहीं लग रही हो तुम, देखो ना श्रेया कैसे अकेली हो गई, कैसे रक्षा करेगी वो स्वयं की। संभवतः मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर पाती, किंतु सहायता तो आपने कर दी है, रास्ता तो आप पहले ही दिखा चुकी है। आप ही कहती थी ना भक्त स्वयं चमत्कार करेगा, इस बार ये भक्त आपको चमत्कार करके दिखाएगी, आप बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना। अलक्ष्मी अब अपनी सीमाएं पार कर रही है, एक स्त्री के सम्मान पर आज उनकी लक्ष्मी माँ कभी सहन नहीं कर सकती। मेरे भक्तों पर जब जब संकट आया है, मैंने दुष्टों को अपना विराट रूप दिखाया है। अलक्ष्मी ने मेरे चुप रहने को मेरी दुर्बलता समझ लिया, अब अलक्ष्मी को अपने षड्यंत्रों को रोकना होगा, अन्यथा उसे लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना होगा। आप अच्छे से बजाओ, तभी लगना चाहिए कि ना घर में शादी हो रही है, शादी का माहौल है। क्यों श्रेया, सही कहा ना मैंने? तो आप मेहंदी लगाएंगे? ओके। एक काम कीजिए, मेरा नाम बड़े अक्षरों में इनके हाथों पे लिखिए और रंग ऐसा चढ़ना चाहिए कि उतारने से भी ना उतरे। लाइए। इट्स ओके, कोई बात नहीं, जो मैं अब दिखाऊंगा उसके बाद विल बी ऑल सेट। चलिए एक काम कीजिए, आप सब के सब बाहर जाइए, मुझे अपनी होने वाली धर्म पत्नी से कुछ प्राइवेट में बात करनी है। प्लीज। ये देखिए। हाय वैभव। श्रेया, श्रेया ऋषभ से शादी मत करना, कुछ भी हो जाए। डोंट मैरी। अच्छा लगा वीडियो, या फिर तुम्हें थोड़ा सा और एक्शन देखना है? अगर नहीं देखना, जस्ट बी अ गुड गर्ल और चुपचाप मेहंदी लगवाना। चलिए आ जाइए आप सब लोग अंदर, प्लीज प्लीज आइए बैठिए। अब कोई रुकावट नहीं आएगी, अब माय वाइफ इज ऑल सेट, राइट? चलो अब अच्छे बच्चे बनके मेहंदी लगवाओ। ओके चलो। कैसे लिखवा लो इस हाथ पे ऋषभ का नाम? नहीं, मेरे हाथ पे सिर्फ और सिर्फ वैभव का नाम है। अरे ये आवाज कैसी? चलो बाहर जाके देखते हैं। हाँ सबका नाम इन हाथों पे कभी नहीं लगाऊंगी मैं, हाथ ही नहीं रहेगा तो कैसे लिखेगा नाम? इधर क्या कर रही हो? मैं अपने पिता के साथ आई थी सजावट के फूल लेकर। तुम्हारे हाथ में चोट लगी है ना, लाओ दवाई लगा दूं।
ही लगानी है मुझे मेहंदी, नहीं होगा ये। मेरे गांव में एक शादी थी, वहाँ किसी को बोलते हुए सुना मैंने कि मेहंदी तो तभी चढ़ती है जब प्यार हो। अगर तुम चाहते हो कि मेहंदी का रंग ना चढ़े तो नहीं चढ़ेगा। चलिए आइए सब लोग, आइए अंदर, चलिए जल्दी फटाफट। एक पैर फटने की आवाज थी और सबके सब भाग के चले गए। जल्दी आइए बैठिए। आज बहुत स्लिपरी है, मेहंदी लग नहीं रही है। स्लिपरी? आपको मेहंदी लगानी नहीं आती? लगाइए मेहंदी। वो क्रीम लगा दी थी ना हाथ पे, इसलिए अब मेहंदी नहीं चढ़ेगी। क्रीम? क्रीम क्यों लगाई? वो चोट लग गई थी तो। चोट? इतनी क्रीम कौन लगाता है, और वो भी पूरे हाथों में। इतना क्रीम लगाया धुलने से भी चिकनाहट नहीं जाएगी। की बेटी थी, कहाँ से आई थी? पता नहीं सर कौन थी। चोट कैसी लगी? कैसी लगी चोट? चोट दिखा। प्यार है और जिद भी है। जब तक तुम अपने हाथों पे मेरे नाम की मेहंदी नहीं लगाओगी ना, तुम यहां से जाओगी नहीं, समझी? तुम Be like a good girl, behave like a good girl. चलो, नहीं जाना मुझे। चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना है। मैं हाथ धुलवाती हूँ इनके। मैं लेके जाती हूँ इनको। नहीं जाना मुझे। आप कौन? मैं यहाँ खाना बनाती हूँ। खाना बनाने वाले तो इतने सारे नौकर हैं इस घर में, सबको थोड़ी देखा होगा आपने। आप टेंशन मत लो, मैं फटाफट इनका हाथ धुलवा के लाती हूँ, तब तक आप नाश्ता कीजिए। चलो चलो नाश्ता वगैरह, चलो नाश्ता करते बाहर। अंदर कैसे आई? मैंने सिक्योरिटी गार्ड से कह दिया कि मैं मेहंदी वाली औरतों के साथ हूँ और कुछ सामान रह गया वही लेने आई थी। मम्मी आपने रिस्क क्यों लिया? आपको अंदर नहीं आना चाहिए था। ऋषभ को पता चल गया अरे क्या करेगा, वो समकी आदमी है। तुम मेरी चिंता छोड़, तुझे अकेला नहीं छोड़ सकती। हम इस वक्त रिस्क नहीं ले सकते, की जान खतरे में। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तुझे तेरी जिंदगी खराब नहीं करने दे सकती। मेरे पास एक आइडिया है जिससे हम वैभव तक पहुंच सकते हैं, और अगर हमने उसे ढूंढ लिया तो तुझे इस राक्षस से शादी नहीं करनी पड़ेगी। कैसा आइडिया? डिवोर्स पेपर्स? तुझे वैभव से डिवोर्स लेना होगा। कभी कभी आगे बढ़ने के लिए, कुछ जीतने के लिए दो कदम पीछे लेने पड़ते हैं। ये तो पीछे हटना हुआ ना, और ये तो गलत है। ऐसे कैसे सबक सिखाएंगे विनीता को? सविता तुमने धनुष को देखा है? हाँ माँ देखा है। जिस प्रकार लक्ष्य को भेदने के लिए धनुष की प्रत्यंचा पर तीर चढ़ाकर उसे पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, उसी प्रकार कभी कभी जीतने के लिए यदि दो कदम पीछे भी लेना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। बेटा तूने कितनी बार इस घर परिवार को हर मुश्किल से बचाया, इस बार मेरी बारी, तुझे बचा लेगी।
कह रही थी तुम्हारा लक्ष्मी कि मेरी भक्त मुझे भूल गई? नहीं, मेरी भक्त सविता को तो मेरी दी हुई सारी सीख अच्छी तरह से स्मरण, अवश्य ही तुम कुछ स्थानों पर अपनी बुरी मंशा में सफल होगी, किंतु स्मरण रहे ये अष्ट लक्ष्मियां हैं, यदि एक की शक्ति कम होती है तो दूसरे की प्रबल होती जाती है। इन दोनों के बीच माँ बेटी का संबंध है, यदि एक दूसरे से लड़ लेंगी तो समय आने पर एक दूसरे की ढाल बनकर एक दूसरे के लिए खड़ी भी हो जाएंगी। लक्ष्मी, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो तुम, शोभा नहीं देता तुम्हें, देवी हो तुम। अरे पहले अपनी अष्टलक्ष्मियों को कुछ करने तो दो, जीत का बिगुल जीतने के बाद ही बजाया जाता है, पहले नहीं। थोड़ा धैर्य रखो चंचला, क्योंकि शीघ्र ही तुम्हारी शेष अष्टलक्ष्मियों का भी यही हाल होने वाला है। नहीं, मत देखिए बॉडी को। क्यों? बॉडी पूरी तरह जल चुकी है, आप देख नहीं पाएंगे। कितना बदनसीब बाप हूं मैं, आखिरी बार अपने बेटे की शक्ति भी नहीं देख पा रहा। अगर बॉडी जल चुकी है तो ये कैसे पता है कि ये वैभव की बॉडी है? ऐसा कैसे नहीं हो सकता, मेरा मतलब पोस्टमार्टम हुआ है, रिपोर्ट है हमारे पास, ये वैभव तोशनीवाल की ही बॉडी है। ये देखिए रिपोर्ट, देखिए। लाइए, मुझे दे दीजिए, मैं ध्यान से रख लूंगी। व्हाट? तुम्हें डिवोर्स चाहिए अपने पति से? हाँ, तुम्हें तो लॉ पता ही होगा, जब तक मैं वैभव की वाइफ हूं तुम्हारे साथ मेरी शादी लीगली वैलिड नहीं होगी, इसीलिए तुमसे शादी करने से पहले मेरा वैभव को डिवोर्स देना जरूरी है। देखो बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन तुम सामने से आके अपने पति को डिवोर्स देने की बात कर रही हो, ये बात मुझे हजम नहीं हुई। देखो पिछली बार की तरह मेरे साथ ना ओवर स्मार्टनेस मत करना, यू नो व्हाट आई मीन। मुझे हर चीज कायदे से पेपर वर्क के साथ करने की आदत है, अब वैभव के साथ मेरा रिश्ता टूट ही रहा है तो मैंने सोचा डिवोर्स ही दे देती हूँ, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए तो अच्छा है कि नहीं करना तो जाने दो। रुको, मस्त होगी? यस सर। बोल रहे हैं आप मम्मी, वैभव को डिवोर्स? हाँ बेटा, इस पे वैभव के सिग्नेचर्स बहुत जरूरी है, और ऋषभ किसी ना किसी को तो भेजेगा वैभव के पास, और फिर मैं उसके पीछे पीछे जाके पता लगा लूंगी कि ऋषभ ने वैभव को कहाँ छुपा रखा है। मम्मी, आपको इतना बड़ा रिस्क नहीं लेने दे सकती, आपको पता है ना ऋषभ कैसा इंसान है, उसको पता चल गया तो आपको पता है ना वो क्या कर सकता है। नहीं नहीं, आपकी जान खतरे में नहीं डाल सकती। तू मेरे बेटे को बचाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा रही, उसका क्या? पर मम्मी, मुझे इतना कमजोर मत समझ, उम्र हो गई है मेरी, लेकिन अपनी मम्मी को कम मत समझना। जब अपने बच्चों पे आती है ना तो हर माँ में हर मुश्किल से लड़ने की एक ताकत आ जाती है। तू बस मौका देख के यहाँ से निकलना और सीधे घर पहुंच जाना, जैसे ही वैभव मिल जाता है मैं तुझे फोन करूंगी, फिर तू वैभव के पापा और रोहित को सारा सच बता देना और उनको पुलिस के साथ वहां पे भेज देना। चिंता मत कर, एक बार वैभव मिल गया ना तो ऋषभ जबरदस्ती तुझसे कुछ नहीं करवा पाएगा।
मैं अपनी बच्ची के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। यही कहीं होगा वैभव, यहां तो कुछ भी नहीं है। ये ऋषभ का मैनेजर कहां है? हेलो, कहां जा रही तुम? वो मेरा कुछ सामान रह गया घर पे, अब एक बार मेहंदी लग जाएगी तो जा नहीं पाऊंगी। इट्स ओके, मुझे बताओ क्या लेकर आना, मैं ले आता हूँ। नहीं नहीं, वो मुझे ही पता है मेरा सामान किधर रखा है, प्लीज मुझे जाने दो। और फिर तो मुझे आना ही हमेशा के लिए तुम्हारे पास, कल शादी है। तुम नहीं चाहते कि आज ही उस घर से मेरे सारे कनेक्शंस टूट जाए? अभी ले आती हूँ सामान, फिर कभी जाने की जरूरत ना पड़े। बब्बे किधर है आपको पता है कुछ? बहुत बार फोन किया लेकिन लग नहीं रहा। डॉक्यूमेंट्स तो ठीक है, ये पेपर सबमिट करने के बाद पॉलिसी के पैसे तो मिल जाएंगे, बस अब सिग्नेचर चाहिए होगे। या ये लीजिए रोहित। लेकिन सिग्नेचर उसी की लगेगी जिन्होंने पॉलिसी ली है। पॉलिसी तो पापा ने ली थी, उन्हीं की सिग्नेचर लगेगी। पापा फिलहाल ये हालत में नहीं है साइन करने के। रोहित, पर सिग्नेचर करवाने तो पड़ेंगे ना? हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, मेरा ऑपरेशन करवाना है। मैं ही जाके ले लेती हूँ। डैडी जी, इस वक्त आप पे क्या गुजर रही है मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है, बहुत अर्जेंट है। अभी वैभव की डेड बॉडी सामने पड़ी, ऐसी भी क्या जरूरी बात है जो आप रुक नहीं सकती? रुक सकती तो रुक जाती अदिति, लेकिन बहुत अर्जेंट है। डैडी जी, मुझे कुछ पेपर्स पे आपसे सिग्नेचर चाहिए। क्या पेपर्स? इंश्योरेंस? किसका इंश्योरेंस? डैडी जी, ये वैभव के लाइफ इंश्योरेंस के पेपर हैं। भाभी, वैभव का अंतिम संस्कार होने वाला है और आपको इंश्योरेंस के पैसे चाहिए? अदिति, मुझे भी उतना ही बुरा महसूस हो रहा है जितना तुम्हें। अगर इम्पोर्टेंट ना होता ना, मैं ये सब कभी नहीं करती। डैडी जी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने बोला है फिर में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए हैं, उसके लिए जल्द से जल्द सर्जरी करवानी पड़ेगी। और अगर टाइम पे ऑपरेशन नहीं हुआ तो बात बिगड़ सकती है। भाभी, ऐसी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई आपको जो आप एक दिन भी नहीं रुक सकते? इमरजेंसी नहीं है तो होने का वेट करूं क्या? हरी जी, अगर इम्पोर्टेंट नहीं होता मैं ये सब कभी नहीं करती। आप ही बताइए, अगर वैभव जिंदा होता तो क्या वो मना कर देता मेरी मदद करने से? लीजिए, साइन तो हो गए, इंश्योरेंस के पैसे कब तक आएंगे? कभी नहीं।
पहला धन वैभव खूब बरसे हर पल में हो शुभ ना शुभ ना।